Assalamu alaikum and welcome again. Another day in Dubai. अभी इरादा है बाहर जाने का, तो आपको भी साथ ले चलते हैं और दिखाते हैं कि बाहर क्या कुछ हो रहा है. अभी हम टैक्सी में आ गए हैं और ये भाई हैं जो कल हमें लेके गए थे और आज भी हमें मिल गए हैं. मुल्तान से इनका तल्लक है, तो अच्छा लगा एक दफ़ा फिर इनसे मिल के. ये क्वीन एलिजाबेथ टू ये होटल है, बना हुआ है. अच्छा, ये इसमें है, ये जो इसमें ये फ्लाइट है ना, कि सेम है. अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी नगर है. ठीक है जी, ये भाई बता रहे हैं कि ये टाइटैनिक की तर्ज का इन्होंने जहाज बनाया और उसमें एक रेस्टोरेंट है. ये भी और ये है जनाब टाइटैनिक की शक्ल वाला जहाज. ये जनाब जी, तो गाड़ी आपने यहाँ आके सीखी है या पाकिस्तान में चलाते थे पहले आप? यहाँ पे आके सीखी है मैंने, पाकिस्तान में नहीं चलाते थे. अच्छा, तो यहाँ क्या कोई आपने ट्रेनिंग ली है या फिर कैसे? हाँ, कैसे ट्रेनिंग होती है, तकरीबन कोई 40 क्लासें ली थी मैंने. अच्छा, नहीं था मेरे पास पाकिस्तान का भी. अच्छा अच्छा, टोटल यहाँ पे बहुत सारा. तो एक क्लास क्या घंटे की होती है, आधे घंटे की, कैसे होता है? एक घंटे की. एक घंटे. अच्छा अच्छा अच्छा, हम 40 घंटे में गाड़ी सीख के. 40 घंटे ये मस्त करना पड़ता है या जो जितने में सीख जाए? नहीं, 40 क्लासें होती हैं, उसमें उसके बाद ही आपका फाइनल टेस्ट होता है. अच्छा अच्छा अच्छा, तो बंदे नॉर्मली पास कर लेते हैं? कर लेते हैं, कुछ रह जाते हैं जो डर जाते हैं, काम बना शुरू कर देते हैं. तो कितने कितने खर्चा कितना आता होगा अगर पहली ट्राई पे निकल जाओ? तो 5,000 दिरहम लग जाए. अभी हम जिस रेस्टोरेंट में हमने जाना था, रावी रेस्टोरेंट, वहाँ उसके नज़दीक हम आ गए हैं. तो ये बुर्जमान शॉपिंग सेंटर के सामने है, ये है जी रावी रेस्टोरेंट, काफ़ी फेमस है. तो देखते हैं इनका खाना. अभी कहते हैं वाकई दुनिया गोल है, तो फिर मिल गए. आप मेरा चैनल देखें तो ज़िंदगी रही, तो हो सकता है फिर कहीं किसी मोड़ पे मुलाकात हो जाए. तो गर्मी से बुरा हाल है और हम रेस्टोरेंट पहुँच आए. हमारा खाना आ चुका है जी, हमने पेशावरी मटन कढ़ाई मंगवाई है, साथ उसकी रोटी है और माश की दाल है. अच्छा जी, खाना हमने खा लिया है, क्योंकि अभी ना तो लंच का टाइम था और ना ही डिनर खा, तो हमें पूरा मेन्यू जो इनका है वो नहीं मिल सका. तो जो अवेलेबल था उन्होंने वो दे दिया है. तो फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के पेट हमने भर लिया है. अच्छा जी, खाने के बाद बाहर मैं निकल आया हूँ. गर्मी है लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं कि बर्दाश्त ना हो सके. और अभी कुछ शॉपिंग का इरादा है. अभी मैंने एक चाट की देखी है, ये है मुंबई चाट एंड जूस. मुझे एक शॉप नज़र आई है गोलगप्पे की, तो ये हैं जनाब यहाँ के सीन. ये है जनाब फलूदा और ये समोसे भी हैं. ये जो शॉप बार से मैंने आपको दिखाई थी उसके अंदर आ गई, क्योंकि अंदर का माहौल ज़रा बेहतर है क्योंकि एसी वगैरह लगा हुआ है. तो ये है इनका चाट का मेन्यू. तो मैंने एक पापड़ी चाट,
समोसा और एक किया है जनाब ऑर्डर फलूदा। अच्छा जी ये समोसा आ गया है चटनी के साथ, अच्छा लग रहा है। और ये है जनाब साथ पापड़ी, पापड़ी चाट टेस्ट करते हैं। वेरी गुड पापड़ी चाट टेस्ट जबरदस्त है। अच्छा जी ये इनके साथ जो चटनी है ग्रीन बहुत मज़े की है और रेड भी, सो वेरी नाइस वेरी टेस्टी। ये जनाब हमारा फलूदा भी आ गया है। अभी जो मैंने फलूदा चेक किया है ऊपर से तो बड़ा मज़े का था आइसक्रीम, पर नीचे मुझे वो सवैयाँ जो फलूदे वाली होती हैं वो नहीं मिली। तो मैंने रेस्टोरेंट वाले को बुला के पूछा है कि भाई जान इसमें फलूदा किधर है, सवैयाँ किधर हैं। तो कुछ अजीब सा मुझे देखने लगा और वो शायद उनकी नज़र में यही है फलूदा, लेकिन अभी वो किचन में चेक करने के गया है कि यही कुछ है या कुछ और भी है उसमें। चेंज करके लाएँ, मैं चेक करता हूँ कि ये वही है या कुछ और है। अच्छा जी अभी ये एक दो सवैयाँ पड़ी हुई हैं इसमें तो ये फलूदा बन गया है। Anyway, फलूदा मैंने खा लिया है, टेस्ट अच्छी थी लेकिन उसमें फलूदे वाली सवैयाँ नहीं थी। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की शॉप्स हैं, मैं अभी विंडो शॉपिंग ही कर रहा हूँ। तो ये है जनाब कपड़ों की दुकान मुझे दिखाई दे रही है और कुछ रेस्टोरेंट हैं, रेस्टोरेंट बोल के काफ़ी ज़्यादा हैं। अच्छा जी ये थोड़ी सी वॉक के बाद अभी हम पहुंच गए अनदर शॉपिंग एरिया में और यहाँ पे एक शॉपिंग सेंटर है, वहाँ से कुछ शॉपिंग करनी है। ये जो शॉपिंग सेंटर है इसका नाम है कर्मा शॉपिंग सेंटर और इसमें मैंने अभी नोटिस किया है कि जो बड़े ब्रांड हैं उनकी कॉपीज यहाँ से जो है ना मिल सकती हैं और प्राइस भी कुछ इतनी ज़्यादा नहीं है और क्वालिटी वाइज मुझे ठीक ही लगे हैं। अच्छा जी मैं अभी वापस होटल आ गया हूँ और अभी मेरा इरादा है पूल में जाने का, तो मिलते हैं वहाँ पे। है जी हमारे कमरे से बाहर का सीन और जो पूल और जकूज़ी है, अभी हम हैं 22nd फ्लोर पे और पूल और जकूज़ी वो है 2nd फ्लोर पे, तो हमें नीचे जाना पड़ेगा। ये है जी होटल के नीचे लॉबी का सीन, ये है होटल की दूसरी साइड की लॉबी। अभी वेदर इतना ज्यादा गर्म नहीं है और पूल साइड पे थोड़ा शेड भी है, इस वजह से गर्मी इतनी ज़्यादा महसूस नहीं हो। ये है जनाब बाहर पूल एरिया का सीन, अभी मैंने थोड़ी सी स्विमिंग की है और उसके बाद मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो बना लूँ जो आपको शेयर कर सकूँ। ये है जनाब आगे पीछे का माहौल, ये
ये है जी सारा फूल एरिया का सीन।